एल्ड्रिन भाई तीन मछली की संकल उठाने में लगी हुई थी, लेकिन एल्ड्रिन भाई से वो उठ ही नहीं रही थी। ऐसे में एल्ड्रिन भाई सोचने लगे, अगर संकल इतनी बड़ी है तो मछली कितनी बड़ी होगी। और तभी एक शक्तिशाली योद्धा ने दूसरी संकल उठा भी दी। फिर एल्ड्रिन भाई के बगल में खड़ी जादूगरनी ने कहा कि अब मेरी बारी। फिर ये कहते ही जादूगरनी ने अपनी थैली से जादुई गोली निकाल कर खा ली, और उसको खाते ही उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि उसने एकदम से वो संकल उठा दी। फिर योद्धा और जादूगरनी ने मछली को नियंत्रित करने के लिए उसकी संकल खींची, जिससे वो तीमी मछली जाग गई और कुछ ही देर में वो उड़ने लगी। अब तीमी मछली के ऊपर सभी मजे से सफर कर रहे थे, लेकिन तभी एल्ड्रिन भाई को टॉफी खाने की चुल मची, और उन्होंने तुरंत टॉफी खा ली और उसका कचरा पीछे फेंक दिया जो मछली के नाक में जा गिरा। इससे तीमी मछली को सांस लेने में दिक्कत हो गई और कुछ ही देर में वो नीचे गिरने वाली थी। ऐसे में योद्धा ने संकल की मदद से तीमी मछली को बर्फीले पहाड़ की तरफ मोड़ दिया। इस पर वे सभी बारी बारी से कूदने लगे, लेकिन मछली पर एल्ड्रिन भाई रह गए, लेकिन मछली पहाड़ से आगे निकल चुकी थी। ऐसे में एल्ड्रिन भाई ने तुरंत जादुई गोलियां खाकर मछली के संकलों को उठाकर उसे ऊपर मोड़ दिया। ऐसे में एल्ड्रिन भाई गिरते हुए पहाड़ के ऊपर जा गिरे।